हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। एनसीईआरटी क्लास 6 का जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज, वह है व्यापारी राजा और तीर्थ यात्री। तो देखिए, किसी कारणवश एनसीईआरटी के जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो बीच में जो है वो नहीं आ पाए, गैप हो गया। कोई बात नहीं, अब हम रेगुलर करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी है इसे आप जो है वो पढ़ सकते हैं। बाजार में घूमती जगनी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगे प्लास्टिक की बाल्टियां, सोख रंगों के फूलों की प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि ये लोग क्या है, ये सभी जो है वो एक व्यापारी है और वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे और वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे और फिर इन्हें मेलों में बेचते थे। ठीक है, तो व्यापारियों के बारे में जो है बताया गया है, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। तो याद होगा आपको, हमने पढ़ा था उत्तरी काले चमकीले पॉलिशदार बर्तन जो कि उत्तरी भाग में मिले थे। ठीक है, और ये खूबसूरत बर्तन जो है खास तौर से इनकी कटोरियां और थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। तो एक ही तरीका है, यानी कि व्यापार हो रहा था, जब भी एक चीज दूसरी जगह पहुंच रही थी और दूसरी जगहों की चीजें इस जगह आ रही थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां से ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले और खास तौर पर जो काली मिर्च है, कीमती पत्थर है, इसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ध्यान रखना है इस लाइन को। और काली मिर्च जो है उसकी तो इतनी डिमांड थी रोमन साम्राज्य में कि इसको काला सोना भी कहा जाता था। तो ये लाइन जो है वो आपको इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है बिल्कुल कि जो रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की मांग जो है वो अधिक थी। ध्यान रखना है काली मिर्च की। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में क्या कहा गया, तो काला सोना कहा गया। ठीक है, और दक्षिण भारत जो है किन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध था, सोना, मसाला और काली मिर्च व कीमती पत्थर। तो ये दो लाइनों में ही कई तरीके से जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों के सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ जो है बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो वस्तुओं से, सिक्कों से ही पता लगता है कि व्यापार होता था। व्यापार से जुड़ी एक कविता यहाँ भी हमें इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है, इसको नहीं छोड़ना है। व्यापार के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, संगम कविताओं में भी मिलते हैं। ठीक है, नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित एक पुहार पत्तन, पुहार पत्तन यानी कि एक बंदरगाह है, इस पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। तो कौन कौन सी चीजें जो है वो आयात होती थी इस बंदरगाह में, तो देखो समुद्री जहाजों पर लाए तेज दर्रार घोड़े यानी घोड़े आते थे। ठीक है, यहाँ पर, और गाड़ियों पर काली मिर्च जो है इसकी गठरियां काली मिर्च जो है आती थी। हिमालय से मिले जो है रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों के चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, कावेरी और गंगा की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती वस्तुएं जो थी वह आयात की जाती थी इस पुहार पत्तन पर। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत में जो है वो है आपको बहुत सारी जो है चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि दूसरे देश जो है आयात करते थे। तो कहा भी जाता है कि मसालों के लिए तो जो दक्षिणी भारत है वो इतना फेमस है कि हमें पता है कि जो बाहर है, जो नेक्स्ट देखिए, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक जो है वो मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य,
इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ हैं, पठार हैं, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम जो कविता है, ठीक है, जो कि मदुरै के कवियों ने लिखी थी, उसमें मुवेन्दार की चर्चा मिलती है। ये ध्यान रखना है, मुवेन्दार की चर्चा जो है संगम कविताओं में मिलती है। यह एक तमिल शब्द है मुवेन्दार, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। ठीक है, तो हम बोलते हैं तीन मुखिया, तो तमिल भाषा में इसको कहा जाता है मुवेन्दार, और इसका वर्णन जो है मिलता है संगम कविताओं में। इसका प्रयोग जो है तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। और ये कौन थे? तो दक्षिण भारत के चोल, चेर और पांडे। ठीक है, तो मानचित्र साथ में हमें देखने को मिलेगा कि ये कहाँ पर स्थित है। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो तीन मुखियाओं का उल्लेख है, चोल, चेर और पांडे का। किसमें उल्लेख है? संगम कविताओं में। ठीक है, और इस तीन मुखिया को तमिल भाषा में क्या कहा गया है? मुवेन्दार कहा गया है। ये तीन लाइनें आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। अब देखो, इन तीनों मुखियाओं के जो है वो अपने दो दो सत्ता केंद्र भी थे। ठीक है, जहां पर इन्होंने जो है अपना राज्य स्थापित किया हुआ था। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। तो एक तो तटीय हिस्से पर रहते थे, ठीक है, अपनी सत्ता जमा रखी थी, और एक जो है वो जो अंदरूनी भाग था वहां पर। इस तरह दो दो सत्ता केंद्र हैं और तीन मुखियाओं के, तो ये कितने हो गए? छह हो गए। तो इन छह में से जो है दो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो चोलों का पत्तन पोहार या कावेरी पट्टनम था, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई। ठीक है, ये मुखिया लोगों से क्या करते थे? नियमित कर की बजाय उपहार की मांग करते थे, और उपहार में भी इनको बहुत ही जो है कीमती वस्तुएं भी मिला करती थी। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, और बाकी अपने जो समर्थक थे, नाते रिश्तेदार थे, सिपाही थे, कवि थे, इनके बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, और उन्हें ये भी बताया उन कविताओं में कि कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े जो हैं ये इनको मिला करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद में एक और राजवंश आया, जिसका प्रभाव जो है काफी बड़ा दक्षिण भारत में। पश्चिमी भारत में जो है सातवाहन नामक एक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया, और धीरे धीरे जो ये राजवंश था, सातवाहन राजवंश, ये पूर्वी भारत में, इसके अलावा दक्षिणी भारत में, यहां तक जो है फैला। तो यहाँ का जो प्रमुख राजा था, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा, जिसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। सातवाहन नामक राजवंश का सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इनकी माँ का नाम था गौतमी बलश्री। तो इन्होंने दान दिया था, और एक अभिलेख में जो है ये चीज वर्णित है, उसमें लिखा हुआ है। इसी से हमें जो है वो सातकर्णी के बारे में भी पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाए। तो दक्षिण भारत तक जो है इन्होंने राज्य फैलाया, तो इसलिए सातवाहन जो राजवंश थे इनको दक्षिणापथ के स्वामी कहा गया। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और तथा दक्षिणी तटों पर जो अपनी सेनाएं भेजी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे रेशम मार्ग की कहानी। तो कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, और रेशम का जो है मूल्य भी अधिक होता है। इसका जो कपड़ा बनता है वह भी बहुत अधिक मूल्यवान होता है। किससे बनता है ये? तो ये एक कीड़े से बनता है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर जो है उससे कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, तो रेशम बनाने की जो तकनीक है उसका आविष्कार जो है सबसे पहले किसने किया था? चीन में करीब करीब जो है 7000 साल पहले हुआ था। ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, ध्यान रखना है कि चीन में सबसे पहले 7000 वर्ष पहले रेशम तकनीक का आविष्कार हुआ। अब तक की जो महत्वपूर्ण लाइन है जहां हमने रेशम मार्ग की कहानी को देखा। ठीक है, और ये आप सभी जानते हो कि रेशम जो है वह कीड़े से रेशम निकाला जाता है। ठीक है, इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक जो है दुनिया से छुपाए रखा, इन्होंने बताया ही नहीं। पर चीन से जो है वो पैदल, घोड़े, ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर आते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस
जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे, तो ये इसका मार्ग भी पड़ गया रेशम मार्ग, शिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहां से रेशम के बारे में जो है जानकारी जो है वो आगे चल के फैल गई कि ये जो है इतना सुंदर रेशमी कपड़ा है ये कहाँ से आया, कहाँ बनता हो गया। तो धीरे धीरे करके जो है ये चीज फैल गई। 7,000 वर्ष से पहले जो है ये स्टार्ट हुई थी, रेशम जो है वो बनना स्टार्ट हो गया था चीन में, लेकिन इन्होंने छुपा के रखा। करीब 200 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना जो है एक फैशन बन गया। तो अब जो है ये हर जगह पता चल गया कि रेशम जो है वो कहाँ से बनकर तैयार होके आया है, इसकी तकनीक क्या है। ठीक है, तो अब जो है 2,000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना जो है क्या बन गया, एक फैशन सा बन गया। इसकी कीमत जो है बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में बहुत ही जो है कठिन रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। पहाड़ है, ठीक है, रेगिस्तानी रास्ते हैं, इनसे होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो यही यात्रा शुल्क जो है उसमें इसका जो पैसा है, तो रेशम बनाने में जो भी होता था खर्च उसमें ऐड होकर आने लगा, और इससे वो खुद ही जो है वो महंगा होने लगा। ठीक है, और कपड़ा जो है महंगा होने लग गया। मानचित्र 6 को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से भी सुरक्षा देते थे। ठीक है, तो इसके बदले में जो है ये इनसे क्या लेते थे, इनसे जो है वो कर लेते थे या शुल्क लेते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो हुए हैं वह कुषाण शासक हुए हैं। करीब 2,000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर, मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। तो महत्वपूर्ण लाइन हो गई आप लोगों के लिए कि कुषाण शासकों के लिए जो है सबसे शक्तिशाली केंद्र कौन से रहे हैं। दो याद रखना है, एक तो है पेशावर और दूसरा है मथुरा। ठीक है, इनका शासन कहाँ था, मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। कैसे देखो रेशम जो है वो फैला। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों का जो नाम है उसमें है कुषाण शासक। ध्यान रखना है, सबसे पहले कुषाण शासकों के द्वारा है सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो जारी किए गए। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। ठीक है, तब तक जो पढ़ाया है इसे आप एक बार और देखें, तभी आपको ये चीजें जो है वो है समझ में आएंगी और आपको याद हो पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।